हाय फ्रेंड्स, मेरी नसलाई ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको बताने वाली सूट के चौक पर समोसा डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हाथों से समोसा डिजाइन बना के सिलाई लगा रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया कुर्ते पर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ईजी मेथड से बताऊँगी कि किस तरीके से आपको समोसा डिजाइन बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया, इस कुर्ती को सिल के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर रखे हैं जो कि हमें यहाँ पे समोसा डिजाइन बनाने हैं। इस छोटे छोटे टुकड़े को, जो हमने कपड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रखा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, सूट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे सीधे साइड में हमें स्केल से सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से हमें पूरा बराबर कर लेना है कपड़े को। कपड़े को बराबर करने के बाद यहाँ पे हमें चौक पे यहाँ पे क्या करना है, कुर्ती की चौक पर साइड में इस तरीके से हम स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चौक से लाइन खींच ली है। चौक से लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें इस तरीके से ट्रायंगल समोसा डिजाइन बोलते हैं इसे, तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है और यहाँ पे इस तरीके से लगाते जाना है और सिलाई करती जानी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरीके से हमें यहाँ पे डिजाइन बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। इसे फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करनी है, सिलाई लगानी है किनारों पे। बनाने के बाद साइड किनारों पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें सारे जो कपड़े हमने जो कटिंग कर रखे थे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमें उन सबको बना लेना है इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना के कम्प्लीट कर लिया है। कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी इसे सूट पर कैसे लगाने हैं चौक पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुर्ते को सिल के कंप्लीट कर लिया है। बस यहाँ चौक पर हमें लगानी है। तो यहाँ पे मैंने स्केल से सीधी लाइन जो खींच रखी थी चौक से, तो देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पे किनारे पे रख के, और हमें इस तरीके से बराबर करके किनारे पर क्या करना है, सिलाई लगा लेनी। तो हमें यहाँ से यहाँ पर पूरे पे इस तरीके से हमें बराबर कर लेना और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ सिलाई लगा करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलाई लगा लिया है और ये नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमने समोसा डिजाइन कम्प्लीट कर लिया है। और भी इसी तरीके से सेम आपको बनाने हैं, तो हमें चारों तरफ इसी तरीके से चारों चौक पर इसी तरीके से हमें कम्प्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कम्प्लीट करके, सेम उसी मेथड से बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, चारों तरफ से हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरी डिज़ाइन देखनी है पाइप एंड डोरी वाली, तो आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारी चीज़